अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नास कुकिंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मछली का सालन। सर्दियों में मछली खाने का एक अलग ही मज़ा है, तो आज हमने सोचा क्यों ना मछली का सालन बनाते हैं। फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फ्रेंड्स, हमने 700 ग्राम मछली ली है जिसे हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब हम करेंगे इसे मैरिनेट। इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच नींबू का रस जाएगा। हल्दी डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसका मछली का कलर अच्छा आता है, और नींबू डालने से इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, मैरिनेट होने देंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम अपनी मछली को फ्राई कर लेते हैं। गैस को ऑन कर लिया है और हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल भी हमने ऐड कर दिया है। तेल तकरीबन 4 टेबल स्पून है। तेल गरम हो गया है, अब हम मछली डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। एक एक करके सारे पीस हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक के हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे। अब हम इसे पलट देते हैं। इसे हमें धीरे ही धीरे पलटना है। मछली में से जो पानी रिलीज होगा उसे हमें अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। हमने मछली को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसी बर्तन में अब हम 1 कटोरी तेल ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, अब हम तेल को गरम होने देते हैं। हमने एक बड़े साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, अब हम इसे तेल में डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का ही फ्राई करना है। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे 1 मिनट तक और ऐसे ही फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाल हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी को अच्छे से भून लेना है, हमको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें 1 कटोरी प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और हम इसे भूनेंगे। फ्रेंड माशाल्लाह देखिए हमारी प्याज का कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे जो 2 चम्मच है, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। सारे स्पाइसेस हम एक साथ इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इन सबको हम मसालों को भुनने देंगे तकरीबन 2 मिनट तक के। मसालों में पानी हमें कम लग रहा था तो हमने इसमें 2 टेबल स्पून पानी और ऐड किया, तकरीबन 1/2 कप। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी हम ये मसाले भुन रहे हैं तो इसमें भी इसे भी भुनने देंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट, ये जो हमने पहले फ्राई की थी उसी को हमने ग्राइंड कर लिया था, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, याली प्याज से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमने 2 बड़े साइज के टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये।
अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने नमक नहीं ऐड किया है अभी, तो अब हम एक चम्मच इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नमक हम कम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने मैरिनेट में भी नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें मछली डाल देते हैं। इसे हमें धीरे धीरे मिक्स करना है हल्के हल्के हाथों से, ताकि हमारी मछली टूटे ना। अब हम इसमें एक बड़ा कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, ग्रेवी जितनी आपको जैसी रखनी है, थिक रखनी है तो कम ऐड करें, और अगर पतली रखनी है तो ज़्यादा पानी ऐड कर दें आप। मछली हमारी फ्राई करने में ही अच्छी खासी गल गई थी, इसलिए अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 5 मिनट तक के लो फ्लेम पर ढक कर के पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हमारी मछली तैयार हो गई है, अब हम डिश आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमने डिश आउट कर लिया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी और कैसा लगा हमारा मछली का सालन। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अच्छी अच्छी रेसिपी का लुत्फ़ लेते रहें। अल्लाह हाफिज़।